वो सारी आ गई ना रिकॉर्डिंग आपके पास, सारी पहुंच गई अब तक की, है ना? यस सर, फाइन, यस सर, थैंक यू सर। और लेट हो सर गया। स्लाइड नहीं आई सर, स्लाइड और कुछ पीडीएफ नहीं आई सर। पीडीएफ भेज दूंगा, लिटरेचर मैंने भेज दिया है। पीडीएफ तो क्या है, जो आपको लिटरेचर मैंने पहले भेजा है ना, 100 कुछ पेज का है, पता नहीं 97 पेज का है, उसी का एक्सट्रैक्ट है, उसको नाइन्टी पढ़ो। सेवन के हाँ, ये मैं स्लाइड है वो तो भेज ही दूंगा, ये उन्हीं में से बनी है, अच्छा ये नहीं उन्हीं में वो से क्या बनी है। स्लाइड सर, स्लाइड इजी पड़ती है ना हाँ, वो थोड़ा इजी पढ़ते ना, मैं जान के नहीं भेज रहा, ताकि मैं सर। स्लाइड भेज दूंगा तो आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे। अभी पहले लिटरेचर पढ़ो, वहाँ ब्रीफ में मतलब खुल के लिखा हुआ है। ये तो ब्रीफ में मैंने अपने समझने के लिए, या थोड़ा स्लाइड को इस तरह से कि भाई जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, उस वजह से कुछ बनाया। पहले इधर लगा ले, सर इसमें लोशो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या सर पूरा हो इस जाएगा वाले बेटा, में? पूरा हो जाएगा, चिंता मत कर, पूरा हो जाएगा, चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, लोश ही करने वाले हैं, हम चिंता क्यों कर ठीक है जी। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मेजर नंबर माइनर नंबर पढ़े। उन मेजर नंबर में टैलेंट नंबर का क्या मतलब है, डेस्टिनी नंबर का क्या मतलब है, हार्ट नंबर का क्या मतलब है, पर्सनालिटी नंबर का क्या मतलब है, अल्टीमेट नंबर का क्या मतलब है, नेम नंबर का क्या मतलब है, ठीक हैबिट नंबर में क्या आता है, हैबिट बदलनी है तो हैबिट नंबर बदल लो, ठीक है। आपका आपको नजरिया बदलना है अपना मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बदल सकते हो, ठीक है। आपका नजरिया स्पिरिचुअलिज्म में क्या है देखने का, उसको आपने सीखा। तब तक हमने मेजर माइनर नंबर देखे, और वो देखे हमारे टूल कौन से नंबर ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये देखा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे पढ़ा, ठीक है। तो पर्सनल ईयर में क्या क्या चीज हो सकती है, पर्सनल मंथ में और पर्सनल डे में क्या चीज हो सकती है। फिर हमने ग्रुपिज्म पढ़ा, फिर हमने कल किया था थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन, कि दो नंबर आपस में कैसे सिंक्रोनाइज होते हैं, वो आपको सिंक्रोनाइज टेबल से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने कंपैटिबिलिटी नहीं पढ़ाई है, अभी मैंने दो नंबर की सिंक्रोनाइजेशन बताई है आपको। तो अब आप अपना जो भी नाम बदलना चाहते हैं, पहले देखो कि आपका टैलेंट नंबर क्या है। हर चीज टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज की जाती है, पहले तो दिमाग में रखो, अच्छा ठीक है। सिंक्रोनाइज टेबल आपके पास है, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ क्या सिंक्रोनाइजेशन है। तो अब आपने जो भी नाम में बदलाव करने हैं, सबसे पहले देखो आपका टैलेंट नंबर क्या है, उस टैलेंट नंबर के हिसाब से अपना सिंक्रोनाइज कर लो नाम, अगर करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, जैसा बनना चाहते हो, जैसा भी बनना चाहते हो। अब आपको 1 से लेके 9 नंबर तक की, बल्कि 11 और 22 तक की भी हमने आपको डिटेलिंग पढ़ा दी, कि भी आप क्या बनना चाहते हो। जो आप बनना चाहते हो उस नंबर को अपने जीवन में यूज करना शुरू कर दो, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वो घर का नाम नाम रखो, घर का ऐसे घर में रहो, अकाउंट नंबर रखो उस पे, पैन नंबर रखो, ठीक है, मतलब गाड़ी नंबर उस पे रखो, जैसे भी आपने रखना, जहां भी नंबर की जरूरत पड़े आप इन नंबर को यूज करना शुरू करो, ठीक है। तो क्या होगा, वो नंबर की क्वालिटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो सिंक्रोनाइज करना है। फिर जो नंबर मिसिंग है उन नंबर को जीना है आपने, ठीक है। अब मिसिंग नंबर मैं इसमें भी कराऊंगा आपको, लोशू ग्रिड में बताने वाला हूँ, चाहे नंबर मिसिंग चाहे लोशू ग्रिड के हिसाब से है, चाहे कोई मेजर माइनर नंबर में आपके पास वो नंबर नहीं है, उसको भी अपने जीवन में लाना होता है, क्योंकि हर नंबर अपने आप में कुछ यूनिक है, हर नंबर कुछ ना कुछ देता है। तो अगर मान लो कोई नंबर आपकी लाइफ में नहीं है, तो उस नंबर से आपके रूबरू नहीं हुए आप, तो उसकी क्वालिटी नहीं आएंगे आप में। और आप चाहते हो कि जीवन एक गुलदस्ते की तरह है, कि सारे रंग जीवन में होने चाहिए, इसलिए सारे नंबर भी आपके जीवन में होने चाहिए। तो जो जो आपका नंबर मिसिंग है, तो यहाँ लो शू ग्रेड से हम आपको बता देंगे कि कैसे आपने उस नंबर की क्वालिटी को इनहेंस करना है, चाहे वो मंत्रों के माध्यम से है, चाहे वो कुछ रेमेडी हम जब बताएंगे एलिमेंट के माध्यम से, वो आप करके अपने उसको दूर कर सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटा हमारा जो पाइथागोरस का पार्ट है वो लगभग लगभग पूरा हो गया, उसमें रेमेडी सेक्शन बाकी है। फिर मोबाइल नंबर कैसे चूज करेंगे उसको मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। फिर आप गाड़ी नंबर, मकान नंबर कैसे और थोड़ा चूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर हमारा रेमेडी पार्ट चलेगा और हम लोशो सिस्टम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक में उतना ही था। फिर मकान नंबर कैसे सर रखें, सर सर उसमें चैलेंज नंबर और पिनाकल नंबर तो एटलीस्ट बता दीजिए। मैडम वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो यूज आता है आपके न्यूमरोस्कोप में, हाँ जो हमारा एडवांस है ना, न्यूमरोस्कोप बनता है वहां उसको यूज करते हैं, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बता भी तो कैसे निकलता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं बता पाएंगे हम अभी, जब तक तो सर आप लोशू न्यूमरोस्कोप की नाम तरह बनता पाइथागोरन में भी न्यूमरोस्कोप बनता है है भाई, पाइथागोरस में तो न्यूमरोस्कोप बनता है, और किस में बनता है?
पाइथागोरियन वही कह रही हूँ कि लोशू की तरह पाइथागोरियन में भी न्यूमरोस्कोप बनता है। मैडम, इसमें कहाँ न्यूमरोस्कोप है? कहाँ न्यूमरोस्कोप है? लोशू में कहाँ न्यूमरोस्कोप है? न्यूमरोस्कोप नहीं, ये ग्रिड तो है अपने ग्रिड, पास। ग्रिड अलग है मैडम, ग्रिड नहीं बनता हाँ वहां, वहां पूरी न्यूमरो बहुत बड़ा न्यूमरोस्कोप बनता है। उस अच्छा। न्यूमरोस्कोप में आपके इवेंट नंबर, आपका पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, ठीक है, चैलेंजेस, पिनेकल, बर्थ फोर पीरियड, ठीक है, और आपके एपिसाइकल, ये सब चलते हैं वहां पर। ये न्यूमरोस्कोप नहीं, ये न्यूमरोस्कोप नहीं है जो आप बता रहे हो, ये न्यूमरोस्कोप नहीं है, तो ये तो ये ग्रिड ग्रीड है लोशु की। है बस। हाँ ऐसी जैसे हमने वहां अपनी 10 नंबर की ग्रिड बनाई है, 5 नंबर मेजर, 5 नंबर माइनर, और यहाँ पर एक ग्रिड बनाई है बस, वो सर कुछ नहीं। टेम्परामेंट माने क्या होता है? आप कई बार बोलते हैं ना टेम्परामेंट, टेम्परामेंट टेम्परामेंट सिस्टम को बताएंगे, क्या बोलते टेम्परामेंट, हैं? टेम्परामेंट थोड़ा बता दूंगा मैं। टेम्परामेंट होता है आपका स्वभाव, स्वभाव है अच्छा आपका, ठीक है, तो जो आपका नाम है वो आपके स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो लोशूस पढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले कोई हमारे बीच में ऐसा है जो लोशू जानता है पहले से थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक, अब जितना सॉरी तुम्हें सर, वो लोशू, यूट्यूब जितना तुम्हें लोशू में पढ़ाया गया ना, उतना मैं सारा पढ़ा दूंगा फ्री में, ये मतलब समझ लो फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारा तो कोर्स तो पाइथागोरस है, लेकिन फिर भी लोशूस लोग कहते हैं पता नहीं क्या भला है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 नंबर से 2 नंबर की क्वालिटी वही रहेंगी, चाहे पाइथागोरस है चाहे लोशूस में, 81 कम्बिनेशन वही रहेंगे जो इसमें है, वही मैंने आपको बता दिया, स्लाइड आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत है मेरे से कंसल्ट कर लेना। ऐसे ही पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, वहां भी ऐसे निकलता है, यहाँ भी ऐसे निकलता है। मैंने और इंटरप्रिटेशन बताइए, इतनी इंटरप्रिटेशन अगर आपने क्लोज सिस्टम पढ़ा भी होगा, वहां आपको पर्सनल ईयर बताया होगा, तो वहां इतनी चीजें नहीं बताई होंगी कि पर्सनल ईयर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैंने आपको पूरा ब्रीफ में जी बताया, ठीक है, नहीं बताया होगा किसी ने अब तक आपको। अब लो सिस्टम में एक दो चार चीजें हैं वो एक्स्ट्रा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप सीख लो। तो लो सिस्टम में क्या है, पहली बात तो चाइनीज सिस्टम है, और ये मान के चलेगा ये सिस्टम हम भी थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? अगर इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए, मतलब 1 की जगह 9 हो, 9 की जगह 1 हो, ठीक है, 2 की जगह 6 हो, 6 की जगह 2 हो, 3 की जगह 7 हो, 7 की जगह 3 हो, तो ये हमारा पता है, हमारा ये लक्ष्मी यंत्र बन जाएगा और सूर्य का यंत्र बन जाएगा। हमारे लक्ष्मी यंत्र को या सूर्य यंत्र को चाइनीज वालों ने उल्टा कर दिया जस्ट, तो उनका ये लोसु सिस्टम बन गया। हमारा ये लक्ष्मी यंत्र भी है और हमारा ये सूर्य का यंत्र भी है। हम नंबर से कैसे रेमेडी करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। इन लोशु सिस्टम ग्रेड, हाँ ये प्लेसमेंट होती है कि 1 यहाँ पे लिखना है, 2 यहाँ पर लिखना है, 3 यहाँ पर लिखना है, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ये फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। इनकी प्लेसमेंट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आ रहे हैं, जो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, वो नंबर जहां पर ये नंबर लिखे हुए हैं उनको रिप्लेस करके अपने नंबर लिख देना है, चाहे वो एक बार आ रहे तो एक बार, 2 बार आ रहे तो 2 बार, ठीक है। तो जो पहली रो है आपकी, ये पहली रो है 492, ये नंबर पूरे अगर आपके ग्रिड में बनते हैं तो ये बहुत बोलिए मेंटल प्लेन, ठीक है। दूसरी जो रो है ये बोल जाती है इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन, और तीसरी रो जो बनती है आपके प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन। तो 3 रो बनती है हमारे पास, मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल। कंसिक्वेंटली द टॉप रो इज यूजुअली रिगार्डेड एज द मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन। इट इनकम्पसेस थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिनेशन एंड एनालाइजिंग। तो अगर ये आपके 492 पूरा बन जाता है, पहले तो आप सभी लोग बना लीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे बनाना है पहले। क्योंकि कुछ लोगों को आती है, हो सकता है कुछ लोगों को बनानी ना आती हो। सर ये लोशो ग्रिड के जनक सर ये वो कीरो जी थे क्या सर? नहीं, ये समझ लो कि ये मतलब चाइनीज सिस्टम है बेसिकली, ये ओके कीरो, ओके कीरो सिस्टम अलग होता है थोड़ा। कीरो हाँ, अब देखिए किसी की मान ली डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 20, 2000, ठीक
ठीक है, अक्टूबर यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो को कोई प्लेसमेंट नहीं दिया जाता। अब इसमें पूरा लिखो, अक्टूबर क्या आता है 10, 20 आ गया 20 और 200, तो कितने अल्फाबेट है इसमें, अक्टूबर में क्या आया 1, तो 1 की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ 2 है तो एक बार 2 लिख दिया, एक बार 2 लिखा है यहाँ पर देखिए, फिर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फिर एक बार 2 और है तो एक बार 2 और लिख दिया। मतलब आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखो, एक एक नंबर उठाओ वहां से, मान लिया आपका 13 दिसंबर 1975 है, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 12 का 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे 1973 का, फिर 9 लिखेंगे, फिर 77 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। तो एक नंबर जितनी बार आ रहा है उतनी बार प्लेस करेंगे, दो जितनी बार भी आ रहा है उतनी बार प्लेस करेंगे, ये नहीं कि एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना, ना आपके ना आपके डेट ऑफ बर्थ में जितनी बार जो ग्रिड आ रही है उसको उतनी बार, मतलब जो नंबर आ रहे हैं उसको उतनी बार वहां प्लेस करना है। तो सभी सभी प्लीज अपना अपना एक बार बना लें, मैं यहाँ खोल कर रखा हूँ ये। सर काइंडली गाइड सब मुझे मैं, हाँ, सर यहाँ से देख के बनाती हूँ, यहाँ से देखना है सर, मैंने बना लिया सर। सर अभी टोटल होने वो रिटर्न लिखना ना, देखिए वैसे तो नहीं लिखना चाहिए लेकिन आजकल ट्रेंड है लिखने का, तो वो लिख सकते हो आप। वैसे किसी भी ओरिजिनल बुक में आप टैलेंट और डेस्टिनी को लिखना बताया नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि आजकल सभी इसको यूज कर रहे हैं, तो भी यूज कर लेंगे। नहीं सर वो क्या कहते हैं करेक्ट प्रेडिक्शन किस पे जाती है, लिखने पे जाएगी नहीं लिखने पे जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ ना सर, देखिए क्या होता है कई बार फ्लो के साथ चलना पड़ता है आपको। पहले 2012-13 तक कोई यूज नहीं करता था, कोई अच्छी बुक आप पढ़ेंगे तो वहां पर टैलेंट और डेस्टिनी को मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि मान लिया किसी का 13 डेट ऑफ बर्थ है तो 1 और 3 आपने मेंशन कर दिया ना, तो 13 से तो 4 बना है, तो ऑलरेडी जब 1 और 3 की वैल्यू आपने डाल दी तो 4 क्यों डाल रहे हो, कायदा तो ये कहता है। लेकिन फिर भी सब डाल रहे हैं तो हम भी, हमने कहा चलो भाई जब सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। तो अपना पहले ये लिखो फिर मैं बताता हूँ, पहले ये लिख लो आप, पहले जितने आपके नाम में आते हैं तो यहां से देख कर लिखना शुरू करो, और जो खाना खाली रह जाए उसको खाली छोड़ दो अभी बस। सर मैंने बना लिया है। ठीक है बेटा सभी बना लो। डन सर। डन हाँ जी, हो गया सभी लोगों का, हो गया जी सर। ठीक है गुप्ता जी आपका हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक है अब जिसके भी मेंटल प्लेन पूरे बनते हैं, मतलब 492 अगर पूरा प्लेन बन जाता है आपका, अब इसमें क्या करें आप, इसमें एक चीज और ऐड कर लें, मान लें किसी का जो डेट है जिस दिन आप पैदा हुए अगर वो डबल डिजिट में था तो उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो। कोई है हमारे बीच में ऐसा जिसका डबल डिजिट में स्टार्टिंग में? हाँ जी सर मेरा था सर 15 था, 15 था, तो आपने 1 और 5 लिखा होगा पहले, तो दोनों उतारे होंगे। मैंने 1 और 5 लिखा। हाँ जी हाँ जी। अब 1 और 5 से 6 बना तो 6 भी दोबारा लिखो। ठीक है सर ठीक है लिखो। और इसी तरह से अपना जो टैलेंट नंबर है हमारा, जिसको ये डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो हमारा टैलेंट नंबर होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लो, उसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, वो भी दोबारा अंक लिखो। ओके सर। कुआ नंबर तो प्लेस नहीं करना? नहीं कुआ नंबर प्लेस नहीं करना, लोगों ने यही कर दिया, अब आगे लोग कुआ नंबर भी करने लगे, वो गलत है। जैसे टैलेंट नंबर 22 से 4 बना था, मतलब 4 लिख दें? 4 लिखना है। हाँ 4 लिखना है, बेशक 4 आपने पहले लिख रखा हो अगर आपके अप्रैल में पैदा हुए, लेकिन 4 दोबारा लिखना है। ठीक है सर ठीक है थैंक यू। सर इसमें नंबर्स कौन से लिखने हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है या फिर सारे मेजर्स नंबर और माइनर नंबर्स? नहीं, भूल जाओ वो, तो आप लो सिस्टम शुरू हो रहा है हमारा, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो पूरी, उस डेट ऑफ बर्थ में जो जो नाम नंबर आते जा रहे हैं इनकी जगह वो नंबर लिखते रहो, बाकी खाली छोड़ दो। ओके सर थैंक यू सर। लिख लिया सबने? यस सर यस सर। ठीक है तो अब ये देखो जिस जिसके ऊपर वाली रो कंप्लीट होती है 492, ठीक
एक तरह से ये भी टेम्परामेंट ही है जो ये निकाल रहे हैं ना, एक तरह से टेम्परामेंट है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आप क्या ज्यादा यूज करते हैं, मेंटल फिजिकल या इमोशनल आप क्या हो, तो यहाँ से पता लगता है। अगर 492 हमारे बीच में है कोई जिसकी पहली रो कंप्लीट हो गई है ऊपर वाली 492 पूरा? हाँ जी सर मेरी हो गई है। ठीक है हो गई है तो आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए है। द टॉप रो इज यूजुअली रिगार्डेड एज मेंटल प्लेन या इंटेलेक्चुअल प्लेन। इट इन एनकंपसेस थिंकिंग, आपकी थिंकिंग बहुत बढ़िया है, एक्टिंग, इमेजिनेशन एंड एनालाइजिंग। ये पावर है, ये स्ट्रेंथ है आपकी, आपकी एनालाइजिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी है, ठीक है ना। आपका मेंटल प्लेन बहुत बढ़िया है, आप मतलब मेंटल से गवर्न है, हर चीज को मेंटल लेवल पर ले जाकर सोचते हो आप, अच्छी बात है। तो हर वो काम जो मेंटल लेवल से कर सकता है कोई, तो आप बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हो, आपका मेंटल प्लेन बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। सर मेरे दो पूरे जैसे फोर, सर फोर और डबल नाइन है तो पूरा माना जाएगा क्या? नहीं नहीं पूरा नहीं माना जाएगा, वो मिसिंग है, अभी बताएंगे उसके बारे में को कैसे पूरा करना है और इसके मतलब क्या है। द मिडल रो इज कार्ड इमोशनल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन। तो ये नीचे वाली है किसी की? सर मेरे दो नंबर्स हैं उसमें 3 और 7। ठीक है नहीं पूरी बनती है 3 और 7। हाँ तो कहीं ना कहीं फिर 33% खाली है आपका वो इमोशनल प्लेन। After all, the heart is in the body. जैसे हमारी बॉडी है ना, ये बॉडी हमारी, हमारी बॉडी के तीन हिस्से कर लो, एक हिस्सा ये हो गया मेंटल, फिर एक हिस्सा पेट से लेके ये हो गया आपका हार्ट यानी कि इमोशनल, और नीचे हो गया पैर, पैर से क्या करते हैं हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो ये हमारा स्पिरिचुअल प्लेन या इमोशनल प्लेन बोल सकते हो। After all, heart is in the body. The plane includes spirituality, intuition, feeling and emotional. तो अगर किसी का ये रो पूरा हो जाती है, वो इंसान इमोशनल है, ठीक है, उसकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, स्पिरिचुअल में वो जा सकता है आराम से, ठीक है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर, उसको वो इमोशनल इंसान है। लास्ट है बॉटम रो, ठीक है 816। द प्रैक्टिकल प्लेन और मेटीरियल, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन और मेटीरियल प्लेन। इट दिस इनकम्पसेस फिजिकल लेबर, ये लोग फिजिकली मेहनत बहुत कर सकते हैं, एबिलिटी टू गो टू बी गुड विद वन्स हैंड। And the ability to be practical in everyday life. तो मतलब आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत अच्छे हो, डेली डे टू डे लाइफ में जो हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। टू यूज द हेड बॉडी लेग एनालॉजी अगेन, द फीट आर फॉर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन द प्रैक्टिकल। मतलब अगर किसी 816 पूरा बनता है तो ये प्रैक्टिकल प्लेन का बनता है, ये हवा में बात नहीं करेगा, ना दिल से बात करेगा, ना दिल से सोचेगा, ना दिमाग से सोचेगा, प्रैक्टिकलिटी में बात करेगा। जो भी अब इनको कोई ऑफर दी जाए कि भाई तुम ऐसा कर लो तुम्हारे ना फ्यूचर में इतना बढ़िया हो जाएगा, बोला फ्यूचर नहीं भाई, मुझे अभी बता अभी क्या होता है, फ्यूचर वाली बात नहीं या दिल वाली बात नहीं है, मुझे तो अभी की बात चाहिए, प्रैक्टिकल बात बताओ क्या है। ये प्रैक्टिकल उसमें बिलीव करते हैं, मटेरियल प्लेन के बंदे हैं। सर अब इसमें इसका फर्क भी कुछ पड़ेगा, जैसे बॉटम लाइन रो कंप्लीट हो गई सबकी, लेकिन उसमें 1 2 बार आ गया या कोई नंबर डिजिट दो बार आएगा, वो सीखेंगे ना, वो करेंगे। अभी ये भी हम सिंगल की बात करें, अगर सिंगल से कंप्लीट हुआ तो फिर ये सिंगल रो कंप्लीट हुई है तो आप आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका कौन सा लेवल स्ट्रांग है, मेंटल लेवल स्ट्रांग है, हार्ट लेवल स्ट्रांग है, इमोशनल लेवल स्ट्रांग है या फिजिकल लेवल स्ट्रांग है, ठीक है ना, आप किस तरफ आपका रुझान ज्यादा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है आपकी, वो मतलब है। देखा होगा आपने कुछ लोग हर चीज को दिल से लगा लेते हैं, कुछ लोगों के पास दिल नाम की कोई चीज नहीं होती, वो कहते हैं भाई प्रैक्टिकल बात करें, दिल प्यारा मोहब्बत या इमोशन हमारे समझ में नहीं आता। कुछ लोग दिमागी रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो आप किससे स्ट्रांग हो तो ये यहाँ से आपको पता लग जाए, ठीक है। तीसरी चीज है हमारी एक, अब ये तो हमने हॉरिजॉन्टल सीख ली, अब वर्टिकल रो बनती है, वर्टिकल ऐसे, तो द वर्टिकल रो आर आल्सो इंटरप्रेटेड, द फर्स्ट वर्टिकल रो कंप्राइजेस द नंबर 438। तो पहली जो वर्टिकल रो बनती है उसमें 438 नंबर है, दिस इज कॉल्ड थॉट प्लेन, इनका थॉट लेवल बहुत अच्छा होता है। किसी का है हमारे बीच में 438? जी सर। पहली रो पूरी बन गई हो, ठीक है, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है। दिस गिव द पर्सन द एबिलिटी टू कम अप विद द आइडियाज, क्रिएट थिंग एंड कैरी देम थ्रू द फ्रूटेशन। तो मतलब ऐसे लोगों जिनका 438 कंप्लीट होता है, उनके आइडियाज बहुत बढ़िया होंगे, ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकते हैं आपको, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है इनके पास, दिमाग से बहुत अच्छी चीज सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से लोग।
एंड कैरी देम थ्रू रोटेशन, मैं इनको कैरी करते हुए मतलब इनसे एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, इनका इनका यूज कर कर एक अच्छे से इनसे गेन प्राप्त कर सकते हैं। रोटेशन मतलब है इनसे गेन हो जाएगा। द मिडल रो वर्टिकल रो इज 951, किसी का है 951 रो, मिडल रो पूरी बन रही होगी। यस सर मेरी कंप्लीट है। नहीं पर वही नहीं, वन नहीं फिर 11 आ जाता, दो बार वन आया। हाँ वन है ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वन वन दो बार आ गया तो कोई बात नहीं, बनी तो है वो। ठीक 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 बनी है वो, वन दो बार आ गया बस कोई बात नहीं, बनी है वो। हाँ जी ठीक है। इज द विल प्लेन, विल प्लेन है, विल मतलब डिटर्मिनेशन, पक्की वाली विल, जो आप सोच लो करके छोड़ते हो उसको। आपने हाँ, ये तो ट्रू है सर, ये ट्रू है। प्रण ले लिया तो बस ले लिया, फिर आपको छोड़ नहीं सकते। हाँ, नहीं ये वैसे ट्रू भी है सर, मेरी लाइफ में होता है सर, मैं कुछ सोच तो कर लेती हूं सर। तो बस विल पावर है आप में। दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड, तो आपके लिए सक्सीड करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है डिटर्मिनेशन। बस कहते हैं ना जज्बा होना चाहिए इंसान में, तो आपने किसी काम को पूरा करने का। द फाइनल वर्टिकल रो है 276, ये किसी का बनता है 276 लास्ट वाली रो। यस सर, यस सर। तो इज द एक्शन प्लेन, ये आप एक्शन लेने वाले बंदे हो। मान ले किसी ने कोई आइडिया बनाया, जैसे अभिषेक का आइडिया वाला प्लेन पूरा बन रहा है, तो अभिषेक आइडिया अच्छा बना सकता है, उसको बता देगा भाई ऐसे प्रैक्टिकल प्लेन में ऐसे उतारना है, लेकिन उतारेगा नहीं, वो आइडिया बना देगा। आइडिया ऐसे बनाकर आपके जैसे लोगों को दे दिया जाए, तो आप जैसा आइडिया दिया है ना, जो क्रिएट किया है इमेजिनेशन से, आप उसको प्रैक्टिकल प्लेन में उतार सकते हो, धरातल पर उतार सकते हो उसको। किसी का माइक ना ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, क्या है किसी का माइक ऑन है अभी, माइक ऑफ कर लो, पीछे से घर की आवाज है। तो एक्शन प्लेन आपका बहुत बढ़िया है। दिस रिवील्स हाउ द पर्सन विल पुट हिज और हर थॉट इनटू एक्शन, तो आप अपने सारे विचारों को, या दूसरे किसी ने आपको कुछ क्रिएट करके चीज दी है या आइडिया दिया है कि यार ऐसे ऐसी चीज बननी है, तो आप उस आइडिया को या आपके कोई आइडिया है उसको धरातल पर एज इट इज उतार सकते हो, एक्शन ले सकते हो उस पर आप। बस ये मतलब है, आप प्रैक्टिकली एक्शन ले लोगे। कुछ लोग रहते हैं ना आविष्कार करके चले जाते हैं, उन आविष्कार का यूज कौन करता है? जो प्रैक्टिकल प्लेन के बंदे हैं, जो एक्शन प्लेन के लोग हैं, वो जितने भी आविष्कार अब तक हुए हैं, जितने रिसर्च हुई है, उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं एक्शन प्लेन वाले लोग। ठीक है, इनका इनके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, इनको इनके पावर है ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की। ठीक है, तो एक्शन ले सकते हैं लोग, तो अपने अपने स्ट्रेंथ को पहचान लो आप। द थ्री वर्टिकल रो मेक्स ए नेचुरल प्रोग्रेशन एंड एट इनिशियल स्टेज द पर्सन कम्स अप विद एन आइडिया, तो सबसे पहले इंसान को आइडिया आते हैं। फॉर द फ्रक्टिफिकेशन द पर्सन मस्ट हैव डिटर्मिनेशन, अब उनको अप्लाई करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, विल होनी चाहिए आपके पास। एंड अल्टीमेटली द पर्सन नीड एफर्ट टू यूज एन आइडिया एंड डिटर्मिनेशन थ्रू हिज हर एक्शन, अब वो आइडियाज वाइडियाज जितने भी आपने सोचा है प्लान किया है, वो जब तक धरातल पर नहीं आएंगे किसी काम पे तो है नहीं, तो वो धरातल पर भी आने चाहिए। तो ये मतलब है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में काम किसको देना है, मुझे सोचने का काम किसको देना है, मुझे क्रिएटिव फील्ड में किस इंसान को डालना है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है, आपके अगर कोई बिजनेस है तो मैं किस इंसान को कहाँ रखूँ, अब जिसको एक्शन प्लान अच्छा है तो उसमें उसको एडमिनिस्ट्रेशन दे दूंगा, वो अच्छा अच्छे से मैनेज कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, रिसर्च में किसी को डालना है जिसका मेंटल प्लान अच्छा होगा, जिसका थॉट अच्छा होगा उसको डालूंगा। किसी को चैलेंज देना है, मैं टारगेट दूंगा तो किसको दूंगा, जिसका विल प्लान बहुत बढ़िया है, मैं उसको विल वाले को चैलेंज दे दूंगा कि भाई तूने इतनी सेल करनी है ना, तो उसको जज्बा दिखाकर वो प्रॉमिस अगर कर देगा तो उसमें डिटर्मिनेशन है वो पूरा कर देगा, वो पूरा करके छोड़ेगा उसको। तो न्यूमरोलॉजी का अच्छा यूज आप कर सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो। आप क्या हो, ठीक है, आप किस प्लेन के बंदे हो, तो आप अपने प्लेन को समझो, उस फील्ड में काम करो, उस फील्ड में आप अच्छा करोगे। दूसरा सर 438 को फिर क्या करना चाहिए, किसको 438 वाले को जिसका थॉट प्रोसेस अच्छा है, थॉट अच्छा है तो दिमागी रूप से काम करे, वो प्लान बनाए अच्छे अच्छे आइडियाज दे, बढ़ाए बढ़िया बढ़िया, मतलब उसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, तो दिमाग से काम करे, दिमाग से खेले। ठीक है, दिमाग को सोचे क्या करना है। इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें एज अ ओनर वर्क करना चाहिए, कि अपने आइडियाज अपने सबॉर्डिनेट को देके अपने काम को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी स्ट्रेंथ है वो, आपकी स्ट्रेंथ है। अब जैसे बताया था आपको, जीरो को वैल्यू नहीं होती, जीरो को कहीं प्लेसमेंट नहीं दी हुई, प्लेसमेंट है 1 से लेकर 9 तक की, तो जीरो को कोई प्लेस नहीं किया। जैसे
अक्टूबर 20, 2000 की किसी का बर्थ हो गया तो उसके नंबर क्या आएंगे, 1 और 2 2 बार आएगा, ठीक है, बस उसके 0 की प्लेस नहीं की जाती। तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हो। अब आपके पास ग्रिड में इस तरह के 9 नंबर तक हैं, कुछ ग्रिड आपके खाली होंगे, कुछ नंबर होंगे नहीं आपके पास, तो उन नंबर की रेमेडी कैसे करनी है मिसिंग नंबर की, विद द हेल्प ऑफ लो शू ग्रिड उनको कैसे अपने जीवन में लेकर आएंगे वो हम सीखेंगे। सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि मैं किस प्लेन का बंदा हूं, ये अब तक आप जान चुके, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरी नेचर बिहेवियर क्या है, मैं किस प्लेन का बंदा हूं, पहली बात तो ये देख लिया आपने। दूसरा अब ये देख रहे हैं हम कि आपके पास एक कितनी बार आया है, तो उसके मतलब क्या है। जैसे अभी मैडम पूछ रही थी कि एक 2 बार है, 3 बार, तो उसका मतलब बिल्कुल है, एक कितनी बार आपके पास, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, तो इससे आप जानेंगे तो आपके नेचर बिहेवियर में कुछ बदलाव हो जाएगा। जैसे अगर आपके ग्रिड में 1 एक बार आ रहा है, तो पर्सन विद 1-1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग। तो जैसे अगर एक बार आया तो आप अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें डिफिकल्टी फील होती है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अलाउ देयर इनर सेल्फ इमर्ज। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास अगर एक ही वन है तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी होते हुए भी आप अपने फीलिंग को, इनर फीलिंग को या वैसी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें थोड़ी आपको रुकावट आती है। ये मतलब अगर 2-1 आपके पास हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लुएंटली, तो मतलब 2-1 आपके पास आ गए तो आप अपनी बातें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो समाज में, सोसाइटी में, बिजनेस में अच्छे से। देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड, तो आपका जो ऑरा है, आउटलुक है, वो बैलेंस्ड है बिल्कुल। एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर, तो जो भी आप सिचुएशन है उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो इम्पार्शियल मैनर से, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है उसमें। जैसे होता है ना जजमेंट करना कि भाई जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सकते हो, तो 2 अगर आपके 1 है तो ये सबसे अच्छी बेस्ट कंडीशन है कि 2 अगर आपके 1 बन जाते हैं तो आप अपनी बातों को आसान से रख सकते हो। फिर आप ये भी समझिए, अब 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक मैं पढ़ा चुका आपको, ये तो लो शू का सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 नंबर बहुत ज्यादा बार पढ़ा रखा है कि 1 नंबर के मतलब क्या है। 1 नंबर की हमने 3-4 स्लाइड में आपको मीनिंग बताए थे 1 नंबर की मीनिंग क्या है, तो वो चीजें सारी लगने वाली हैं। 1 नंबर क्या इनिशिएट करने का है, ठीक है। अगर 2 बार 1 है आपके पास तो अच्छा इनिशिएटर, बहुत अच्छे हो आप, चीजों को अच्छे से इनिशिएट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हो, ओरिजिनल काम कर सकते हो। 1 नंबर क्या, ओरिजिनलिटी का नंबर, ये सारी चीजें आपने आ जाएंगी। लोगों को राजा की तरह, राजा अच्छा राजा कौन होता है, जो दूसरों को निष्पक्ष न्याय दे, तो आप इम्पार्शियल होकर लोगों को जजमेंट कर सकते हो, अच्छा बुरा क्या है पहचान सकते हो और अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, इंडिपेंडेंट खड़ा कर सकते हो। ये मतलब पीछे से म्यूट कर लो यार, किसी घर की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। किसका माइक ऑन है? अभिषेक शर्मा जी का। अभिषेक जी म्यूट रखो प्लीज, जब आप बात ही नहीं कर रहे, अभी कुछ बोलना नहीं, ना मैंने पूछना है, तो प्लीज म्यूट करो। पीछे जो फैमिली की आवाज आती है ना, अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी बातें हो रही हो घर परिवार में तो अच्छा नहीं लगता, फिर हम डिस्टर्ब होते हैं, ये सारे रिकॉर्डिंग में आती है, फिर आपकी सुनेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां ये लिखा है वो तो लगाना है, लेकिन 1 नंबर की जो मैंने करेक्टरिस्टिक बढ़ाई है वो भी लगानी है। अगर 1 या 2 है तो बैलेंस रूप में है, लेकिन अगर 3, 4, 5 हो जाएंगे तो फिर थोड़े थोड़े नेगेटिव ट्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं नंबरों पे। अब किसी का 1-3 है, किसके पास है 2-1 है किसी के पास, बताओ। यस सर, मेरे पास सर। ये तो आप बिल्कुल बैलेंस है बेटा, बिल्कुल समझ लीजिएगा, आप इसका फायदा उठा सकते हो 2-1 का। ठीक है सर, मेरे पास 4 बार है। तो अभी पढ़ते हैं मैडम, 4 बार भी है तो 3-1 है आपके पास, तो दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट, या तो बहुत बोलने वाले लोग होंगे या फिर बड़े शांत रहने वाले बंदे। पीपल विद 3-1 आर जनरली हैप्पी, ये हैप्पी है, आउट गोइंग पीपल है, ठीक है, मतलब आउट गोइंग पीपल है, दुनिया में मिलनसार है, आउट गोइंग रहते हैं हमेशा। एंड मैनी प्रोमिनेंट एंटरटेनर हैव दिस कम्बिनेशन इन देयर चार्ट, तो ये बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं, घुल मिल के रहते हैं लोगों के साथ, ठीक है, बिल्कुल मिलनसार लोग हैं ये इस तरह के, अगर 3-1 आते हैं। अब 3 के बाद 4 आएंगे तो फिर वो थोड़ा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या 1 नंबर की एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई। तो कुछ तो यहाँ लिखिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको वैसे बताऊंगा। सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली, पहले बात तो ये लोग वर्बली अब अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको जो भी चीज चाहिए रिटर्न में चाहिए,
वर्बल लिंक को समझ नहीं आएगा, वो कहता भाई लिख के दिखा, समझा के बता ब्लैक बोर्ड पे, है ना, पेपर पेन ले और समझा मुझे क्या कह रहा है तू, वर्बली मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग हो जाते हैं, एंड केयरिंग पीपल हैं बहुत ज्यादा, हु आर फ्रीक्वेंटली मिसअंडरस्टूड, तो जो लोग इनको ना मिसअंडरस्टूड करते हैं, मतलब इनको समझते नहीं है लोग, तो फिर इस तरह से इनको ना बड़ी दिक्कतें आती हैं लाइफ में, ठीक है। तो बताइए मैडम, और वन ज्यादा ज्यादा बार आएगा ना तो नींद की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सूर्य बढ़ गया आपका, सूर्य बढ़ गया यानी कि पित्त बढ़ गया आपका, और जैसे ही बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ता है, पित्त बढ़ जाता है, तो पित्त से रिलेटेड बीमारी हो सकती है मैडम आपको, या इंसोमनिया की बीमारी हो सकती है नींद का माना, और एक बार आंख खुल गई आपकी तो फिर नींद नहीं आएगी, ये सब दिक्कतें होनी शुरू होती हैं अगर ये वन ज्यादा बार होता है आपका, ठीक है। और वन नंबर की नेगेटिव ट्रेट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, हो सकता है छोटी सी बात पे आपकी ईगो हर्ट होती हो, तो ये सारी सारी क्वालिटी अगर बहुत ज्यादा वन होंगे आपके पास तो ये सारी क्वालिटी आप में आनी शुरू हो जाती है। हाँ जी बताओ मैडम। हाँ सर, सेंसिटिव तो मैं बहुत हूँ, हाँ, और मिसअंडरस्टूड भी होती हूँ उसके वजह से। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अपने आपको जब आज आपको पता लग गया अपनी कमी तो उसको कंट्रोल करो, ठीक है, मैं रेमेडी बताऊंगा आपको कि कैसे कंट्रोल करना है। सर, दुनियादारी करने से बाज नहीं आते हैं ना, नो नंबर भी काफी पड़ा है, तभी तो बोले ना सेंसिटिव है, मिसअंडरस्टूड मिसअंडरस्टूड होते हैं लोग, ठीक है, तो यही तो बोला गया यहाँ पर, और संभालो अपने आपको, बस रेमेडी बताऊंगा वन नंबर की, तक वो कर लेना आपको फर्क लगेगा अपना, ठीक है। और पांच छह सात अगर जितनी बढ़ते जाएंगे तो समझ लीजिएगा और ज्यादा दिक्कत आने वाली है। Enumerous difficulties in expressing themselves verbally, they are frequently misunderstood. ये और ज़्यादा misunderstood होते हैं. Often directly their expressive skill into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Some people with this combination overindulge in food, drug and alcohol. तो अगर पांच बहुत ज़्यादा एक जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं drug, food, alcohol इन सब में लोग जा सकते हैं, ये मतलब है। Fire बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपकी, पित्त बढ़ गया है, फायर बढ़ गई है, एग्रेशन बढ़ गया आपका, ठीक है, ईगो बढ़ गई आपकी, तो ऐसे लोग क्या फूडी हो सकते हैं, ऐसे लोग ड्रग एल्कोहल भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आपको इनसे बचना है।